हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं VHF मतलब वेरी हाई फ्रिक्वेंसी की, कि ये कम्युनिकेशन कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब VHF को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ ज़रूर रिकमेंड कर दूं कि इससे पहले वाली वीडियो HF की ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वो इससे पहले की कड़ी है। तो अगर आप उसको छोड़ेंगे तो इसको समझने में थोड़ा सा परेशानी होगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं VHF की। तो VHF का मतलब ही है वेरी हाई फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन, ठीक है। इनका जो ऑपरेटिंग रेंज होता है, मतलब इनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है जिसमें ये जिसके अंडर में वर्क करते हैं, वो 30 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर के 300 मेगाहर्ट्ज़ तक की होती है, ठीक है। ये जनरल कॉन्सेप्ट है, ठीक। बट जो एयरक्राफ्ट में यूज़ होता है वो यूज़ होता है 118, ध्यान से सुनिए, 118 से लेकर के 137 मेगाहर्ट्ज़ तक, ठीक है। कभी कभार ये 137 ना दे करके 136.975 मेगाहर्ट्ज़ भी देता है क्वेश्चन में, ठीक। इनके बीच की जो चैनल स्पेसिंग होती है वो 8.33 किलोहर्ट्ज़ होती है, और यही बात VHF को HF से बहुत ज़्यादा ख़ास बना देती है। क्यों? क्योंकि इनके चैनल के बीच की जो स्पेसिंग है, अगर आप HF की बात करें तो वो 100 हर्ट्ज थी सिर्फ, और ये 8.33 किलो हर्ट्ज है। मतलब इनके बीच की चैनल स्पेसिंग एज़ कम्पेयर टू HF बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि इनकी चैनल स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है इसलिए इनमें जो मैसेज के मिक्स होने के चांसेस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, और ये कम्युनिकेशन बहुत ही क्लियर होती है। इसमें कोई आवाज़ नहीं आती, कोई नॉइज़ ज़्यादा नहीं होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे एयरक्राफ्ट में जो मोस्टली यूज़ होता है कम्युनिकेशन, मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला जो कम्युनिकेशन होता है वो होता है VHF कम्युनिकेशन, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसकी ख़ास बात ये होती है, इसको फिर अब आपको आना चाहिए ना क्वेश्चन, आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई अगर ये इतना ही अच्छा है तो फिर हम HF का यूज़ ही क्यों करते हैं, ना करें। बट उसका रीज़न है इसलिए क्योंकि जो VHF होता है ये शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, मतलब ये लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन ही दे सकता है, जहाँ से आपका एयरक्राफ्ट स्टेशन को देख सकता है, जहाँ से एयरक्राफ्ट की वो सीध में आता है सिर्फ वहीं तक इसका कम्युनिकेशन हो सकता है, उसके बाद इसको नहीं लागू किया जा सकता, ठीक। इसीलिए हम HF कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं जब हम बहुत लंबी दूरी का फ्लाइट करते हैं, ठीक है। और इनका ये जो कम्युनिकेशन होता है VHF, ये तीन तरीके का हो सकता है, मैंने उसमें भी बताया था। ये ग्राउंड टू एयर भी हो सकता है, एयर टू ग्राउंड भी हो सकता है, और एयर टू एयर भी हो सकता है। बट सब में कंडीशन एक ही है कि सारी की रेंज जो होंगी वो शॉर्ट होंगी, लाइन ऑफ द साइट होंगी, ठीक है। हर एक एयरक्राफ्ट में, जनरली अगर हम कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट की बात कर लें, तो जितने भी कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट आज के दिन में आते हैं उसमें जो VHF सिस्टम लगा होता है वो दो होता है। कंपलसरी है कि दो VHF कम्युनिकेशन सिस्टम लगाना ही होगा किसी भी मैन्युफैक्चरर को, ठीक। थर्ड जो VHF कम्युनिकेशन सिस्टम होता है वो ऑप्शनल होता है, कि अगर आपकी, मतलब वो मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने अगर एयरक्राफ्ट को एडवांस बनाना चाहता है तो वो तीसरा VHF कम्युनिकेशन सिस्टम भी रखता है, ठीक। और अगर किसी भी एयरक्राफ्ट में ये VHF का तीसरा चैनल भी लगा हुआ है, मतलब VHF का तीसरा सिस्टम भी लगा हुआ है, तो उस सिस्टम का यूज किस लिए किया जाता है? ACARS, जो आपने सुना होगा, एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन एड्रेसिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम के लिए उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। इतनी बात आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए अभी तक। अब हम बात करते हैं VHF में सिस्टम में पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो वही, ये भी एक कम्युनिकेशन सिस्टम ही है ना, ये भी एक रेडियो सिस्टम ही है HF की तरह, तो पार्ट्स वही होंगे। इसमें भी एक एंटीना होगा, एक कपलर होगा और एक ट्रांसीवर होगा। यहाँ पर जो कपलर होता है उस कपलर का थोड़ा सा एडवांस वर्जन यूज होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन तीनों टर्म्स की, कि ये तीनों हैं क्या। एंटीना आप जानते ही हैं, एंटीना का काम क्या होता है, मैसेज को रिसीव करना और हमारे एयरक्राफ्ट से मैसेज को बाहर देना, मतलब जहाँ हमको जाना है, जहाँ भी डालना है उस मैसेज को। कपलर का काम होता है ट्यूनिंग करना, जब आप एक से दूसरी फ्रिक्वेंसी पर चेंज करेंगे तो वो जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कपलर की होगी कि वो आपको वहाँ तक लेकर के जाएगा। ट्रांसीवर का काम होता है प्रोसेसिंग का, कि जब आपने कोई कम्युनिकेशन करने के लिए कोई आवाज़ दी, कोई वॉइस दी, तो उसको वो प्रोसेस करके इस फॉर्म में बनाएगा कि वो ट्रैवल कर सके, ठीक है। अब कैसे कैसे बनाता है, उसमें कौन कौन से प्रोसेस यूज़ होते हैं, अगर ये सब भी आपको जानना है तो ये सब आप लगे रहिए हमारे साथ, सारी वीडियोज़ बनेंगी, सब कुछ होगा, सारे डाउट्स क्लियर होंगे, ठीक। अब ये जो ट्रांसीवर होता है, ये खास बात होती है इस VHF सिस्टम की, जो ट्रांसीवर होता है वो थ्री मोड्स पे काम करता है, मतलब तीन तरीकों से काम करता है। पहला मोड जो होता है उसे बोलते हैं पोस्ट, POST, ये पोस्ट शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है।
दूसरा इस ट्रांसीवर का जो मोड होता है वो होता है ऑपरेशनल मोड, ठीक है, और तीसरा जो मोड होता है उसको कहते हैं मेंटेनेंस मोड। तो किसी भी VHF ट्रांसीवर के कितने मोड हो सकते हैं? तीन। कौन कौन से? पोस्ट, ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस मोड, ठीक है। इनको हम डिस्कस करेंगे आगे कि ये तीनों होते क्या हैं और इनमें क्या क्या फ़र्क है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो ट्रांसीवर्स होते हैं ये होते कहाँ पे हैं, मतलब इनकी लोकेशन क्या होती है, क्योंकि कभी कभार DGCA से इन लोकेशन की भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो लोकेशन होती है ये होती है एवियोनिक्स रैक पे। अगर आपने एयरक्राफ्ट देखा होगा तो उसमें आपने एवियोनिक्स रैक जरूर देखा होगा, वो कॉकपिट के जस्ट बाद में होता है, थोड़ा सा पीछे, ठीक। तो उसी रैक पे इनका ट्रांसीवर होता है और वो बहुत ही मतलब हल्का होता है, लाइट वेटेड होता है, इसलिए यहीं पे यूज़ किया जाता है। HF का नहीं यूज़ किया जाता था क्योंकि उसका ट्रांसीवर थोड़ा बड़ा होता है और उसको कहाँ पे यूज़ किया जाता था? ऑफ्ट इक्विपमेंट सेक्शन ऑफ द एयरक्राफ्ट, ठीक है। अब ये जानिए कि जो VHF मैंने बताया आपको, तो मैंने कहा था कि VHF में दो सिस्टम होना कंपलसरी है, पर HF में ऐसा कुछ नहीं था। क्यों? इसका रीज़न है क्योंकि हम क्या करते हैं, एयरक्राफ्ट आप खुद भी जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा स्पीड में फ्लाई करती है, ठीक। तो जब वो ज़्यादा स्पीड में फ्लाई करेगी और लाइन ऑफ साइट से ज़्यादा VHF का रेंज नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, जिस रेंज में चल रहे होते हैं, मतलब जिस VHF स्टेशन से करेंटली बात कर रहे हैं वो हमारे VHF, मतलब उस पे तो हम ऑपरेट कर ही रहे हैं, साथ में जो दूसरा वाला VHF सिस्टम है उस पे अगले वाले का फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी ट्यून करके रखते हैं, ताकि जैसे ही हमारा इससे कम्युनिकेशन छूटे अगले वाले VHF रेंज से हमारा कम्युनिकेशन जुड़ जाए, ठीक है, इसलिए ये कंपलसरी होता है। अब हम अपने तीनों मोड्स की बात कर लेते हैं। जो पोस्ट मोड होता है ये सबसे एसेंशियल है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न है, ये काम क्या करता है, जैसे ही VHF सिस्टम में पावर आती है तैसे ही 30 सेकेंड्स के लिए ये मोड एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। और 30 सेकेंड के लिए एक्टिवेट होकर ये क्या चेक करता है कि उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है, या फिर ये मोड तब भी स्टार्ट हो सकता है जब कभी भी लॉन्ग ट्रिप हो जाए, मतलब 200 मिली सेकेंड से ज़्यादा का अगर पावर गैप हो गया तो ये मोड फिर से स्टार्ट हो जाता है, ठीक। ऑपरेशनल मोड जो होता है उसमें तीन तरीके के ये ऑपरेशनल मोड होते हैं, मोड 0A, मोड 0B और मोड 1A। ये इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस ये जान लीजिए तीन मोड होते हैं और ये तीनों मोड का काम क्या होता है ये जानना जरूरी है। इनसे हम रेडियो की सेंसिटिविटी और सेलेक्टिविटी को घटा बढ़ा सकते हैं इन मोड्स की हेल्प से, ठीक। जो मेंटेनेंस और लास्ट मोड होता है मेंटेनेंस मोड, ये क्या काम करता है, अगर पोस्ट मोड जब हो रहा था इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो सारी की सारे रिकॉर्ड्स इस मोड में कन्वर्ट हो जाते हैं और जब एयरक्राफ्ट आता है लैंड कर जाता है तो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो मेंटेनेंस मोड में डाल करके ये चेक करे कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई थी फ्लाइट में, अगर आई थी तो उसको करेक्ट करे और करेक्ट करके उसको ओके करे, फिट टू फ्लाई करे, ताकि एयरक्राफ्ट अगली फ्लाइट पर जा सके, ठीक। तो हमारे प्रीवियस वीडियोस को भी देखते रहिए और नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। क्यों? क्योंकि उसमें हम टाइप ऑफ एंटीनास के बारे में बात करेंगे कि HF में कौन सा एंटीना यूज होता है, VHF में कौन सा एंटीना यूज होता है और कितने टाइप्स ऑफ एंटीना होते हैं। उसके बाद हम सारे एक एक सिस्टम, जैसे ADF हो गया, ये सारे सिस्टम हो गए और VOR सिस्टम हो गया, इन सब का डिस्कशन उसके नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इसका बेनिफिट दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग की हेल्प हो सके। थैंक यू।